बीती शाम 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक आतंकी हमला हुआ है। हमले में एक पैसेंजर बस को निशाना बनाया गया, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 33 लोग घायल हुए हैं। हमले में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए भारतीय सेना ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जानकारी दी है कि इस हमले में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 10 लाख, वहीं घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे फोन पर बात की है और घटना का जायजा भी लिया है। रियासी हमले पर राष्ट्रपति से लेकर अलग अलग पार्टी के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं आ रही है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे की निंदा की है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एक्स हैंडल से लिखा गया, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुए आतंकवादी हमले से मैं व्यथित हूँ। ये कायरतापूर्ण काम मानवता के खिलाफ अपराध है। इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, फिर रियासी हमले का जिक्र कर कहा कि आतंकवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। How much it will affect in future, whether it is an election or... You see, the point is not only election. I am afraid, I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I request every person of the state to see that that Yatra goes peacefully. That carries a message to all. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिव खोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमला अत्यंत दुखद है। ये शर्मनाक घटना जम्मू कश्मीर के चिंताजनक सुरक्षा हालातों की असली तस्वीर है। मैं सभी शोक संतप्त परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की आशा करता हूँ। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट खड़ा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर बताया कि जान गंवाने वाले लोगों में कुछ लोग उत्तर प्रदेश के भी थे। उन्होंने लिखा, देश में राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील दिन, सुरक्षा प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुए आतंकी हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर दुखद भी है और घोर निंदनीय भी। मृतकों में अधिकांश यूपी के हैं और बस के खाई में गिरने की वजह से कई लोग घायल भी हैं। मृतकों के शवों को उनके परिवार वालों तक पहुंचाने और घायलों को अच्छे से अच्छा उपचार देने के लिए सरकार जागे और सभी हताहतों को यथोचित मुआवजा दे। घटना पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि आतंकी हमला करने वालों के साथ क्रिकेट नहीं हो सकता। उन्होंने और क्या कहा, खुद सुनिए। एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ आतंकी हमला हो रहा था और तीसरी तरफ क्रिकेट चल रहा था। ये हो क्या रहा है? क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ चल सकता है? अब हम भी जानना चाहते हैं सरकार से। सिर्फ लफाजी करने से शांति नहीं आती, क्या वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं इसका अब जवाब ये देश मांग रहा है, कश्मीरी पंडित मांग रहे हैं, पर्यटक मांग रहे हैं, स्थानीय नागरिक मांग रहे हैं, सुरक्षा बल मांग रहे हैं और हमारे तीर्थयात्री मांग रहे हैं, इसका जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमले में जान गंवाने वालों पर शोक व्यक्त किया है। घटना पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरी साथी विभावरी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।